कि कैसे फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह ने, फैमिली ने कैसे एक्सेप्ट किया कि आपकी, क्योंकि मैं भी बॉम्बे से हूँ तो, और लोखंड वाला एरिया जहाँ पर आप थे, तो मुझे पता है कि वो एरिया कैसे है। जितने भी नए अपकमिंग बडिंग एक्टर्स और ये होते हैं वो उसी एरिया में हैंग आउट करते हैं, राइट? तो बहुत, आप जैसे लोखंड वाला में जाएं आपको तुरंत बॉडी कॉन्शियसनेस का एक एक्सट्रीम एक्सट्रीम आ ही जाता है। तो ऐसे एरिया में रहते हुए, एंड आई नो कि वहीं पर बाबा का सेंटर भी है, तो ऐसे लोखंड वाला में रहते हुए आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया, या उनसे कोई चैलेंजेस आए आपको? सी लोखंड वाला में जैसे आपने वहां देखा है, जैसे आप बता रहे कि एक्सट्रीम बॉडी कॉन्शियसनेस, आपने सभी मॉडल्स को देखा होगा, मेल फीमेल, आप अगर लोखंड वाला में रहे हैं तो उनमें से ही मैं भी एक पीस था। एक्सट्रीम बॉडी कॉन्शियसनेस शायद जितनी उनमें थी ना, मुझ में उससे भी ज्यादा थी, क्योंकि मुझे भविष्य का ब्राह्मण बनना था ना, तो मेरी अति में थी, मेरे जो थे वो अति में थे, देहभान अति में था। मुझे लोग कहते थे ये बना बनाया मॉडल है, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे कहते थे ये नेचुरल मॉडल है, इससे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अभी तो वो सीधा साधा जैसे एकदम गाय जैसा लगता हूँ ना, ऐसा नहीं लगता था, बहुत टेढ़ा टाढ़ा, देह भान एक्सट्रीम और उल्टा सुल्टा खाना ये सब था। तो यस, तो मुझे यस फ्रेंड्स की तरफ से भी आए, लेकिन मैं उन्हें बड़ी युक्ति से हैंडल करता था। मैं उनके सामने जैसे बाबा शब्द ना बोल के बोला करता था, जैसे गॉड या परमात्मा हमें ये बताते हैं ये कितनी अच्छी बात है, तो वो स्वीकार करते थे। मैं ज्यादा उनके सामने बाबा या जैसे मैं एकदम पागल हो गया हूँ या मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता, बहुत युक्ति से मैं उनके बीच में चलता था, तो वो सब मुझे सपोर्ट करते थे। रही बात घर वालों की, देखो फ्रेंड्स की तरफ से मुझे कभी कोई चैलेंज नहीं आया। मैं जब भी फ्रेंड्स के बीच में बैठता था तो वो मुझे एक्सेप्ट करते थे, इवन वो तो कई बार मेरे मुख से ज्ञान सुनते थे तो उन्हें अच्छा भी लगता था और वो अप्रिशिएट करते थे इन बातों को। मैं बताता भाई देखो मैं मेडिटेशन सीखा हूँ और मैं मेडिटेशन करता हूँ सवेरे इतने बजे ऐसे ऐसे, तो वो कहते थे तो बहुत अच्छी बात है हमें भी सिखाओ, तो वो तो उनके लिए ठीक था। लेकिन जब मैं घर पे आया, घर है नोएडा में, तो नोएडा में जब आया था तो घर पे देखा माता पिता सभी को, सभी के चेहरे पर जैसे 12 बजे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वहां पे सेंटर पे देख रहा था दीदियों को, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा समय बीतता था, तो वहां पता चलता था कि रूहानी तेज क्या होता है। और यहाँ आया तो एकदम से एक्सट्रीम देह भान घर वालों में, और चेहरे उतरे हुए उनके, जैसे माया ने उन्हें पीट पीट के परेशान कर रखा हो। माता जी को देखा, पिताजी को देखा, सब, तो बस ये हुआ कि इनका कैसे भी कल्याण करना है, इनको ज्ञान सुनाना है, ठीक है। और आपको चुन के सुन कैसी आएगी कि माता पिता जो हमारे हैं लौकिक, उनको कोई हम 10 मिनट या 15 मिनट कोर्स नहीं कराते थे, उनको पूरे दिन ज्ञान की डोज देते थे, पूरे दिन ज्ञान सुनाते थे उनको। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो विदिन 10 to 15 days ज्ञान में आ गए थे। तो आज ये बाबा की बहुत बड़ी, मतलब मुझे बहुत सपोर्ट रहा है शिव बाबा का इस मामले में, कि पूरी फैमिली, लौकिक फैमिली ही ज्ञान में है। मतलब जैसे हमारे जो लौकिक पिताजी हैं और उनके जो छोटे भाई हैं, दो भाई हैं वो, और दो भाई की जैसे वाइफ सो गई, मतलब चाची और हमारी माता जी, उनके बेटे और हम, सभी टोटल ज्ञान में हैं। तो मतलब ये तकरीबन 10-12 लोगों का परिवार है, तो सभी बाबा के अच्छे बच्चे हैं, प्रॉपर ढंग से, जो ढंग से चलते हैं एकदम, सिर्फ नाम वाले नहीं, अच्छे से। जैसे अभी कल संडे है तो हम लोग कल संडे 2 से 5 भट्टी रखेंगे, तो सभी उसे ज्वाइन करेंगे, सभी 1:30 बजे उठ जाएंगे, सभी आके बैठेंगे, सभी तपस्या करेंगे और सभी होंगे, उनमें एक भी मिस नहीं करेगा। तो ये बड़ा कमाल रहा है, शायद इसमें मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि एक भी ऐसा नहीं है घर में जो विरोधी हो, सभी बिल्कुल प्रॉपर बीके हैं।